लखनऊ के काकोरी हरदोई रोड पर बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में यूपी रोडवेज की दो बस आपस में टकरा गईं। बसों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि अब तक 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को लखनऊ ट्रोमा सेंटर भेजा गया है, कई की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। सूचना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस जेसीबी के साथ पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हादसे में दोनों बसों के चालक और कंडक्टर घायल अवस्था में ट्रोमा भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 6 बजे हरदोई रोड पर बाजनगर गांव के पास हुआ। लखनऊ से रोडवेज बस हरदोई की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में हरदोई रोड पर बाजनगर गांव के पास ट्रक को ओवरटेक कर आगे निकली। ये बस हरदोई की तरफ से सामने से आ रही रोडवेज बस से टकरा गई। वहीं पीछे से आ रहा ट्रक भी बस में भिड़ गया। आमने सामने की टक्कर से बसों के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि बसों के परखच्चे करीब 50 मीटर के दायरे में फैल गए। हादसे में रोड किनारे होटल पर बैठे लोग भी चपेट में आ गए। अभी तक जो जानकारी पुलिस के पास है, उससे सुबह एक एक्सीडेंट की सूचना मिली, जिसमें लखनऊ से हरदोई जा रही रोडवेज की बस और हरदोई से लखनऊ आ रही, इन दोनों रोडवेज की बसों में एक्सीडेंट हुआ है। यह संज्ञान में आया कि एक ट्रक जा रहा था, जिसको रोडवेज की बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की और उसकी स्पीड ज़्यादा थी, जो लखनऊ से हरदोई की ओर जा रही थी। इस उसका डिसबैलेंस हुआ, सामने से आ रही बस से उनका आमने सामने उनका कोलाइड हुआ। खासतौर पर जो ड्राइवर साइड थी दोनों बसेस की, उनके बीच में भीषण हादसा हुआ है और दोनों बसेस काफ़ी डैमेज हुई हैं और इसमें बैठे हुए यात्रियों की मौत हुई है। अब तक की सूचना के हिसाब से 6 यात्री एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें बस का ड्राइवर भी है एक, और 8 लोग अभी इंजर्ड हैं जो ट्रामा सेंटर भेजे गए हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, PRV मोबाइल्स, पॉलीगॉन मोबाइल्स और लोकल थाने का फोर्स वहां पहुंच गया। PAC भेजी गई थी। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए एम्बुलेंसेस से और प्राइवेट वाहन से ट्रामा सेंटर भेजा गया। इसके बाद SDRF की टीम भी लोगों ने बुलाई थी कि अगर बस काटकर लोगों को निकालने की जरूरत पड़े, लेकिन उसकी आवश्यकता न होने पर वापस कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल और ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर सब तरफ भेजे गए, ताकि रोडवेज जो हमारा रोड है वो चलता रहे, लगातार किसी भी जगह ट्रैफिक जाम की समस्या से ना जूझना पड़े और लोगों को कोई असुविधा ना हो। पुलिस ने JCB और क्रेन बुलाकर फंसी बसों और ट्रक को अलग कर घायलों और मृतकों को बाहर निकाला। करीब 3 घंटे बचाव कार्य चला। पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मौके का जायजा लेने JCP नवीन अरोरा, DCP साउथ राइस अख्तर और सुरेश चंद्र रावत पहुंचे। पंजाब केसरी TV के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।